वशत के बली करे आया जी आया नू खुश आमदीद खैर अगले अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पाकिस्तान फर्स्ट एंड ओनली फिशिंग विद फन कंटेंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट एंगलर फैजान। बहुत अरसे बाद भाई एक प्रोडक्ट रिव्यू में हाजिर हूं। आज टाइम मिला है मुझे सुकून से जो है फिशिंग करने का। प्रोडक्ट तो मैं लेके जा रहा था लेकिन वो सुकून मिल नहीं पा रहा था। आज बेसिकली पिकनिक के लिए आया हूँ किसी की स्पेशल इन्विटेशन पे। कुछ वीडियोज आप पहले देख चुके होंगे कि हमाद जो है वो सब्सक्राइबर है तो उसके स्पेशल इन्विटेशन पे आज मैं आया हुआ हूँ हब डैम पे। और हब डैम पे मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है कुछ टैकल की अनबॉक्सिंग करने का। नए खरीदे हुए रखे हुए स्पेशली इस सीज़न के लिए लिए हैं, शोर कास्टिंग के लिए लिए हैं, मैंग्रूव से यूज़ करने के लिए लिए हैं। तो दो मैंने रॉड्स खरीदी है, आज उसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कौन सी रॉड है, कहाँ से लिए, कितने में लिए, ये फिर मैं वीडियो के एंड में आपको बता भी दूंगा। तो भाई इस वक्त जो मेरे पास है ये है अक्यूमा की रॉड, ये है एपिक्सर सीरीज और बहुत ज़बरदस्त रॉड है। सबसे अच्छी बात लाइट वेट है। इसके जो गाइड्स हैं वो फ्यूजी के हैं और ब्रांडेड रॉड है। प्राइस वगैरह सब बताता हूँ, दुकान कहाँ से लिए बताता हूँ। सबसे पहले इसको खोल लेते हैं, अनबॉक्स कर लेते हैं, देख लेते हैं चीज़ कैसी है। तकरीबन कोई महीना डेढ़ महीने से ये मेरे पास रखी हुई है। घर की शिफ्टिंग में मैं इतना बिजी था कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था और फिर मैं देख भी नहीं पाया कि भाई कहाँ से क्या चीज़ आई और उसको यूज़ करने का भी टाइम नहीं मिला। वैसे ये स्पेशली रॉड जो मैंने ली है ये सपट के यूज़ के लिए ली है। इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि एक तो बहुत रगड किस्म की रॉड है। स्पेशली मुझे जो है वो जिनसे मैंने परचेज़ की है, चलो बता देता हूँ, मैंने एंग्लर्स हब पाकिस्तान एंग्लर्स हब अदनान भाई से जो है वो परचेज़ की है। और अदनान भाई को मैंने कह के ली थी कि यार अदनान भाई मेरा यूज़ थोड़ा सा रफ एंड टफ है, क्योंकि मुझसे कोई चीज़ मांगता है तो मैं उसको यूज़ करने के लिए दे देता हूँ। जो वीडियो बना रहे हैं उन्होंने जो अभी पहली मछली पकड़ी है मुताहिर भाई, वो भी रॉड पर मेरी पकड़ी है। तो भाई मैं इसी तरह की चीज़ लेता हूँ कि मेरे भी इस्तेमाल में आए और दूसरों के भी इस्तेमाल में। तो थोड़ा सा रगिड टैकल है, मतलब इजीली जो है वो इसके गाइड्स वगैरह ख़राब नहीं होते और थोड़ी सी इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा है उसी हिसाब से। तो गाइड्स इसके ये आप देखें, फ्यूजी के ये गाइड्स हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बहुत लाइट वेट रॉड है। तो कास्टिंग के लिए अगर आप पूरा दिन भी कास्टिंग इससे करते रहें ना तो थकेंगे नहीं, मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। और आज मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, वैसे ये सॉल्ट वाटर सीरीज़ है तो इसमें कोई मसला नहीं है कि इसको जो है वो नमक का पानी लगे इसके गाइड्स पे या समंदर का पानी लगे, कोई मसले वाली चीज़ नहीं है। है सॉल्ट वाटर सीरीज़, आज यूज़ करूँगा फ्रेश वाटर पे, थोड़ी सी स्पोर्ट्स फिशिंग भी ट्राई करूँगा। तो इसमें जो मैं रील यूज़ कर रहा हूँ वो इस वक्त यूज़ करता हूँ, ये चाइनीज़ रील है, पहले भी आपने इसका रिव्यू देखा हुआ है मेरे पास। ये मैंने बहुत सस्ती ली थी, 1500 रुपये की रील ली थी। तो आज इस पर जो है मैं ट्राई कर रहा हूँ कुछ फ्रेश बेट के, फ्रेश वाटर के जो ल्यूअर्स हैं वो मैं ट्राई करता हूँ और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। वैसे तो जो है मैं ये प्रोडक्ट यहाँ के लिए लेके नहीं आया, बेसिकली ये मैं सिर्फ अनबॉक्सिंग के लिए लेके आया था, लेकिन अब जब लेके आ गया हूँ तो फिर मैं यूज़ भी कर लेता हूँ और इसका सेटअप बना लेते हैं। सेटअप बना के फिर 2-3 कास्ट करके देखते हैं कि कुछ लग रहा है या नहीं लग रहा। आज वैसे इन्जॉयमेंट का मूड है और असल इसकी टेस्टिंग जो होगी वो सपट बीच पे जाके होगी और उसका भी हमारा प्लान है नेक्स्ट वीक में, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ में जो भी होगा वो प्लान बना के देखते हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भाई लाइट वेट बहुत है, बहुत ही इजी टू कैरी है। आप इसको 3-4 घंटे भी कास्ट करते रहना तो आप थकेंगे नहीं और फिर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। आपकी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी दिखा देता हूँ, ये देखें बहुत आसानी से ये पूरी, जब मैं ये देख रहा था खरीद रहा था अदनान भाई ने यही किया कि यहाँ से रॉड पकड़ी और मुझे बोला कि भाई उठा के देखो। तो ये असल चीज़ ये है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी और लाइट वेट होना। प्राइस इसकी तकरीबन कोई मुझे याद पड़ती है कि 6,000 या 8,000 है, 8,000 है गालबन इसकी प्राइस। प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है और उसकी वजह भी ये है कि ये फ्यूजी के इसमें ओरिजिनल गाइड जो है वो यूज़ हुए हैं। ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि ये सारी चीज़ें कहाँ पे लिखी हुई हैं। ये तो लिखा मेरे ख्याल से, हाँ इधर लिखा हुआ है, इस पर जिस पर मैंने अभी फिट कर दिए। ये देखें जी मुतायर भाई, इसको फोकस करें। तो भाई ये ओरिजिनल ब्रांडेड प्रोडक्ट है और लॉन्ग लाइफ है, तो लॉन्ग लाइफ के लिए फिर आपको प्राइस भी ज़रा प्रीमियम पे करनी पड़ती है और असल चीज़ इसका लाइट वेट होना है, मतलब थकेगा नहीं। और मैं यही कहता हूँ कि रॉड लाइट वेट हो तो उसका यूज़ ज़्यादा अच्छा है।
आप थकेंगे नहीं, भारी रॉड लेके कभी भी फिशिंग अच्छे तरीके से हो नहीं सकती। दूसरी प्रोडक्ट है वो भी अकूमा की रॉड है और इस सीरीज का नाम है जी फोर्स। ये बेसिकली प्योर कास्टिंग रॉड है और साइज इसका है 10 फीट 2 पीस में। ये भी मैंने पाकिस्तान एंगलर सब अदनान भाई से ली है, ब्रांड अकूमा ही है। और सबसे पहले इसको असेंबल कर लेते हैं। सीरीज ये भी सॉल्ट वाटर है और यहाँ लाने का वैसे कोई ख़ास मकसद नहीं है, लेकिन बस मैं अनबॉक्सिंग के लिए ले आया था और मेरी गाड़ी में जो है वो ये सामान पड़ा रहता है, क्योंकि कभी भी मूड बन जाए तो निकल जाते हैं भाई, बिस्मिल्लाह पढ़ के। तो ये है भाई पूरी सिंगी 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 भाई, ये 10 फीट की रॉड है। मुतायर भाई ये दिखाएं रॉड और रॉड की लेंथ, और वहाँ जो है किसी एक बंदे को मछली भी लग गई है और सिंगी लगी है। यार ये तो छोड़ दो, रिलीज कर दो इसको, सिंगी ये काटा बुखार हो जाएगा। अबे बड़ी तो हो जाए फिर खाना। अबे यार बड़े जालिम शिकारी हैं यार ये लोग, बहुत जालिम है। ये बड़ी है, अच्छा। और भाई इसके साथ मेरी जो रील है बेनेक्स वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, स्पूल साइज बेनेक्स का 3000 है, और आज इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। वैसे फिर बता रहा हूँ सॉल्ट वाटर सीरीज है, ली मैंने जो है वो शोर कास्टिंग के लिए और सपट के लिए, और क्योंकि आज फ्रेश वाटर आए हैं तो इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी बन रही है, तो थोड़ा सा यूज़ कर लेते हैं और साथ साथ कुछ स्पोर्ट्स फिशिंग भी कर लेंगे। मुश्ताक साहब एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कुछ ल्यूर्स दिए थे वो मैं यूज़ कर नहीं पाया, मैंग्रोव में मैंने यूज़ किए थे, खास उसका प्रोडक्ट रिजल्ट नहीं है। यहाँ भी करके देख लेते हैं जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन और रॉड के इफ्तिताह के लिए। तो आए कुछ शॉट्स लेते हैं। बताया भाई ये है लाइट वेट चीज़, इसका मज़ा है। बिल्कुल ऐसी चीज़ हो ना तो फिर कहते हैं आसानी भी है शिकार खेलने में, थकता नहीं बंदा, थकता नहीं है बंदा। और दूसरा ये कि अगर मछली लग जाती है तो उसको बार बार निकालना करना चीज़ें जो है ना बिल्कुल ईजी वे में होना चाहिए। अच्छा भाई ये अकूमा की जी फोर्स सीरीज़ है, ये थोड़ी बजट सीरीज़ है, जी फोर्स 3000 इसका जो है वो आपको ये दिखा देता हूँ मैं, क्लोजअप करें, अकूमा जी फोर्स 3000। तो भाई ये बजट सीरीज़ की रॉड है और तकरीबन इसकी प्राइस कोई 3,500-4,000 रुपये, क्योंकि ख़रीदे हुए 2 महीने हो गए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, अगर देखता हूँ वीडियो के आखिर में मुझे कहीं से पर्ची मिल गई तो मैं इसमें लगा दूंगा जब वीडियो एडिटिंग करूँगा, तो मैंने कितने की ख़रीदी थी। ये तकालबन 4,000 की ली थी, वो वाली रॉड 8,000 की ली थी। वो इसलिए 8,000 की है कि मैंने आपको बताया वो उसमें तो ब्रांडेड है, ब्रांडेड ये भी है, उसमें फ्यूजी के गाइड हैं, तो वो ज़रा रगड़ किस्म की चीज़ है, ये थोड़ा सा लाइट टैकल है, और ये बस मैं अपने लिए यूज़ करूँगा, कभी कभार ही होती है शोर कास्टिंग। तो चले बस अब इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मछली लगती है नहीं लगती। वैसे तो जो मुझे सिर्फ इसका इफ्तिताह करना है, अंदाज़ा ये है कि यहाँ पे कास्टिंग पे कुछ इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट होगा नहीं, फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं। जब पका के खिलाने लोग बोले भाई तो मच्छी छोटी आई, बोले भाई ये छुपल गई वहाँ से आ जाए। पकड़ के चिल्वा पकड़े आप, चिल्वा जल्दी आ जा रहा है नहीं अपने पास, चिल्वा तो चार आए हैं। चिल्वा लगा के हाँ तो व्यूअर्स ये था आज का प्रोडक्ट रिव्यू, 2 रॉड्स जो है वो मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है। यूजेज तो कुछ खास हो नहीं सका क्योंकि खरीदी मैंने सॉल्ट वाटर के लिए थी, आए हम फ्रेश वाटर में हैं, तो बस मैंने अनबॉक्सिंग की वीडियो थोड़ा सा ओपन एनवायरनमेंट था इस वजह से बना दी है। अब इंशाल्लाह इसको मैं यूज़ करूँगा शोर कास्टिंग पे, सपट जाना है और एक दो जगह और हैं, कुंडमलीर एक दो बीचेस और हैं, तो फिर वहाँ पे जो है इसका रिजल्ट आपको बताएंगे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, कुछ नया जो है वो अगर मैं परचेस करूँगा तो अनबॉक्सिंग की वीडियो आ जाएगी।
वैसे तो इंशाल्लाह परचेजिंग कुछ पाइपलाइन में है, जैसे यूट्यूब की पेमेंट मिलती है आप लोग थोड़ा सा जो है ना वो व्यू कम दे रहे हैं, व्यूज़ अगर अच्छे दें तो फिर मैं कुछ नई नई प्रोडक्ट खरीदूँ और फिर जो है वो आपके लिए उसके रिव्यू भी लेके आऊँ। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक अपना अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।